एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और सुबह हो चुकी है, काफ़ी देर पहले काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, लंच बन चुका है एंड सुबह की चाय भी हो चुकी है, काम वाली दीदी जा चुकी है और फाइनली मैं किचन में आ चुकी हूँ। और खाना जो है वो ऑलमोस्ट 55% बन चुका है, बाकी मैं बनाने जा रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। ये एक्चुअली सबसे सिंपल और सबसे इजी सब्ज़ी है, शायद मैंने अपने ब्लॉग में कहीं ना कहीं डाली होगी। शिमला मिर्च आलू टमाटर प्याज हरी मिर्च इन सबको एक साथ में धो के कट कर लेती हूँ और देन इसको लहसुन में एक या दो लहसुन डालती हूँ तड़के में जीरे के साथ और सब सब्ज़ियाँ एक साथ डाल देती हूँ, मसाले डाल देती हूँ। और बिलीव मी, ये सबसे ईजी और सबसे अच्छी बनने वाली सब्ज़ी है जो कि कम टाइम में और बहुत अच्छे टेस्ट में बनती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली ट्राई करिए। शिमला मिर्च तो खाते ही है सब लोग, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं पहले शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, देन कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये आंवला जो है वो मैंने कल डाला था वीडियो में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी व्यूज़ आए थे। तो अगर आपको आपने ये ट्राई किया है तो डेफिनेटली इसको ज़रूर कमेंट्स में बताइए कैसा बना है, जरूर करिएगा। और यहाँ पे मैं अपने साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ। एक्चुअली पुणे में सबसे पहले मैंने नाश्ते के में मैंने रात में ही साबूदाना जो भिगो दिया था, इसमें मैंने मिक्स कर जो है वो रोस्ट करके और मूंगफली है उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, थोड़ा मतलब दरदरा ही पीसा था, मिक्स कर लिया। मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूं, नाम किसने रखा। एक्चुअली ये मैंने अपनी मेड से सीखा है, खिचड़ी तो नहीं है डेफिनेटली, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ऑयल गरम हो चुका है, रानी दीदी आलू डाल देंगे, उन्होंने फर्स्ट टाइम बना के बताया था कि प्याज और टमाटर ये सब कुछ नहीं डालना होता, बस मिर्च और आलू ये सब टेस्ट है। और वो सिंपल मैंने टमाटर साबूदाना से खाने वाले के लिए मना किया था, बोलते थे टेस्ट खराब हो जाता है, मेरे शरीर को डाल देना, लेकिन मैंने उन्हें जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही मैंने बनाया। जीरा डाला था कि नहीं उसमें, याद नहीं। अच्छा बनता है, मतलब मंत्री लगी अच्छा, साथ ही साथ बहुत ईजी बनाता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लानी है, बस आलू रहता है, मिर्च होती है, ऑयल रहता है जब भी आप खाते हैं, घी में बनाना चाहे तो घी में, साबूदाना रहता है, सिंग दाना रहता है, कोथम्बी, नमक और हल्दी बहुत थोड़ी सी, बस इतनी चीज़ें होती हैं। और बन के पूरा तैयार है, पुणे 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 के साबूदाना खिचड़ी तो सच में बहुत ज़्यादा बनती है। तो चीज़ें यहाँ पे मैंने अभी तक ट्राई किया, एक बड़ा पाव, बड़ा पाव एक्चुअली मैंने शायद बाहर का ही खाया, घर में अभी तक बनाया नहीं है और बाहर का ही अच्छा लगता है। बड़ा पाव खाने से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है, यहाँ पे आई गेस ऑथेंटिक है शायद यहाँ का या फिर ट्रेडिशनल में बनता है शायद इसलिए, क्योंकि बड़ा पाव मैंने जयपुर में भी खाया था लेकिन टेस्ट मुझे यहीं का अच्छा लगा था। और यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार है, अब मैं इसको बस आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, बन आगे का काम करूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप डाइट पे हैं ना तो आपको थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम ना हो और साथ ही साथ ढक कर मैं थोड़ी देर पकाऊं, आप अच्छे से जो है अपनी डाइट मेंटेन करें। और अब बेटू का एक्चुअली स्कूल जो है वो खुल जाएगा तो मैं उसका होमवर्क करा रही थी। बच्चों पर ध्यान देना ना हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टास्क रहता है, क्योंकि हाउसवाइफ जो है वो देखने में बहुत ईजी टास्क लगता है, अरे घर पर तो रहती है क्या करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, 100 काम होते हैं, 100 जिम्मेदारियाँ होती है। आप हेल्प रख भी रहे हैं तो भी बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है जो हेल्प नहीं रखते उनके लिए तो लिटरली झाड़ू पोछा बर्तन एडिशनल होता है, लेकिन जो हेल्प रखते भी हैं ना तो भी दीदी साफ़ करके चली भी जाती है तो भी दिन भर एक दो करके बहुत बर्तन होते हैं जो कि हाथ से खुद ब खुद धोने होते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आज की स्पेशलिटी और शाम का टाइम हो चुका है, खाने में बनाती हूँ। और मेरे छोटे से बेटे के लिए ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बहुत अच्छा बन के आया था, अब इसको और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे बन जाते हैं। और कैरमलाइज मखाने भी बोल सकते हैं, गुड़ के मखाने भी बोल सकते हैं, मखानों को अच्छे से रोस्ट करके ये उसको बहुत पसंद है। थोड़े से घी में मैं पहले मखानों को फ्राई कर लेती हूँ, फिर जस्ट इसमें उतारते समय घी डाल कर उसको अच्छे से मैं काट के भी मिक्स कर देती हूँ। और साथ ही साथ इसको 5 मिनट ना मखानों गैस बंद करके छोड़ना पड़ता है ताकि मखाने अच्छे से जो है मत पूछिए वो कोटेड हो जाए। मैं भी ये
गुड़ में बहुत अच्छा है। और बिलीव मी अगर आप मखाने खाने के शौकीन हैं तो ये वाले मखाने आपके फेवरेट बन जाएंगे। अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, घी डालना है, देन आपको मखाने डालने हैं और जब वो थोड़े से क्या बोलते हैं फ्राई हो जाए देन आप ऊपर से उसमें बस गुड़ डाल दीजिए। चाहे आपके पास पाउडर गुड़ है वो डाल दीजिए, मैंने आज काट के डालें क्योंकि पाउडर खत्म हो गया। बट ये दोनों तरह से काम करता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ड्रीम लाइफ सुचे। और इसको मैं 2 मिनट या 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये जो जितने भी मखाने आप देख रहे हैं अपने आप थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे गुड़ के कोटिंग के लिए। जैसे गुड़ की कोटिंग इसमें सूखती है ना धीरे धीरे, जब वो इसी के साथ आज का ब्लॉग कड़क हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई करिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आई गेस कुछ लोगों ने शायद मखाने और नारियल ड्राई फ्रूट का भी बनाया था, लेकिन ये वाले सबसे सिंपल सबसे जल्दी और रेगुलर में खाने वाले हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई स्पेशली तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ टाइम अपने लिए डेफिनेटली इसको ट्राई करिए और मुझे जरूर बताइए आपको कैसे लगे। इतना ज्यादा रोज एक ही काम करते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं नीचे जा रही हूँ लिफ्ट से, और मतलब क्या होता है ना कि अगर आप अपने को टाइम दे रहे हैं तो आपके पास कुछ अपने लिए सोचने का टाइम भी होता है, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि क्या चीज़ें आप और अच्छी कर सकते हैं लाइफ में जो आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। यहाँ पे टहलने के बाद मैं थोड़ा सा बेंच पे बैठी थी सोसाइटी के अंदर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।